आपको भी स्ट्रीट शॉपिंग करना पसंद है तो नेक्स्ट टाइम जब आप दिल्ली आए तो सरोजनी नगर मार्केट जाना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज वहाँ आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम पैसों में। Hey everyone, how you all doing? I hope everybody is doing great. So welcome back to my channel. My name is Nidhi. So as promised, I'm back with part 2. In this video, I will show you कि मैंने सरोजनी नगर मार्केट से क्या क्या खरीदा है. So जल्दी से आप वीडियो को देखते हैं. टॉप बहुत ही ज़्यादा क्यूट है. मैंने ये टॉप लिया था फॉर जस्ट ₹200. सो ये एक फ्रंट कटआउट बेसिक मॉक नेक टॉप है. इसमें ये मॉक नेक दिया हुआ है एंड फ्रंट कटआउट है जो इसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश बनाता है. इसकी फुल स्लीव्स है सो आप इसे विंटर्स एंड इवन समर्स में भी ईजिली वेयर कर सकते हैं. सो सेकेंड टॉप जो मैंने सरोजनी से लिया है वो है ये टॉप सबसे ज़्यादा प्यारा है. इनफैक्ट ये मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट परचेज है जो मैंने सरोजनी से लिया है, बिकॉज ये टॉप एग्जैक्टली सेम ऐसा मैंने मिंत्रा पे देखा था फॉर समथिंग अबाउट 600 और ये मुझे मिला है ओनली फॉर ₹250. सो मैंने काफ़ी सारे पैसे बचा लिए और मुझे ये टॉप बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था. ये टॉप काफ़ी क्यूट है, प्लस ये एडजस्टेबल है. सो अगर आप साइज़ M, L, XS या S है तो भी ये टॉप आपको ईजिली आ जाएगा, आप इसे एडजस्ट कर सकते हो. इसका रफल स्लीव्स है और फ्रंट वी नेक है सो ये बहुत खूबसूरत लगता है. सो नेक्स्ट टॉप है ये. सो ये एक टर्टल नेक टॉप है जिसका कलर सी ग्रीन है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है. प्लस ये आपकी बॉडी को अच्छे से हग कर लेता है सो इसमें आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी और फ्लैटरिंग लगती है. एंड इसमें लॉन्ग स्लीव्स हैं तो ठंडियों के लिए तो बेस्ट है ही. नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया है वो है ये स्टॉकिंग्स. ये स्टॉकिंग्स आप किसी भी कपड़े के अंदर पहन सकते हो एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. ये अंदर से ऐसा कुछ वुलन सा है जिसकी वजह से ये काफ़ी हमें वॉर्म रखता है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स. अभी के टाइम में आप अगर स्कर्ट पहनना चाहते हो या ड्रेस पहनना चाहते हो तो उसके नीचे आप ये स्किन कलर का है तो ये ईजिली पहन सकते हो, और इसके ऊपर आप चाहो तो नेट स्टॉकिंग्स या फिर ब्लैक वाली जो पतले स्टॉकिंग्स आते हैं वो भी लगा के पहन सकते हो और ये बहुत ही प्यारा लुक देता है. नेक्स्ट टॉप जो मैंने लिया है वो है ये टॉप बहुत ही ज़्यादा प्यारा है. ये एक ब्राइट लाइलैक टॉप है जिसमें एक शिमरी इफेक्ट भी दिया हुआ है और ये सिर्फ ₹100 का है. अगेन ये आपकी बॉडी को काफ़ी अच्छे से हग कर लेता है और काफ़ी स्ट्रेचेबल है तो अगर आप मीडियम हैं या लार्ज हैं तो भी आप इसमें ईजिली एडजस्ट हो सकते हैं. ये भी एक लॉन्ग स्लीव टॉप है तो आप इसे ईजिली विंटर में पहन सकते हैं. शॉपकीपर्स आपको बहुत ज़्यादा प्राइस बोलेंगे इनिशियली, और कुछ शॉप्स होंगे जहाँ पे एक फिक्स प्राइस होगा तो वो फिक्स प्राइस वैसे बोलते हैं कि फिक्स प्राइस है, लेकिन आप कोशिश करोगे थोड़ा बार्गेनिंग करोगे बोल के कि भैया 2 या 4 ले लेंगे, और अगर आप लेना चाहते हो एक्चुअली तो वो थोड़ा वो फिक्स प्राइस कम भी कर देते हैं, बट हाँ कुछ शॉप्स नहीं, हर शॉप में नहीं करते. नेक्स्ट आइटम जो मैंने परचेज किया है वो है ये. सो नेक्स्ट ये लेमन येलो टर्टल नेक टॉप है. ये काफ़ी वुलन है सो ये विंटर्स के लिए परफेक्ट है. आप इसे गर्मियों में नहीं पहन सकते बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा वॉर्म है. ये एक्चुअली एक कार्डिगन का लुक देता है. इसमें ये 3 बटन डिटेलिंग है जो कि इसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है और मुझे ये बहुत पसंद आया था. एंड इसका प्राइस तो मतलब सिर्फ 100, और ये ऐसे क्रॉप है तो मतलब सोने पे सुहागा. आजकल ऐसा स्टाइल बहुत ज़्यादा चला हुआ है. ये अगेन काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी स्टाइलिश है, प्लस ये हमें वॉर्म भी रखता है एंड फॉर द प्राइस इट इज़ कमिंग लाइक ₹100. आई थिंक ये एक मस्ट बाय है. आपको इस टाइप के ₹100 के काफ़ी सारे टॉप वहाँ देखने को मिल सकते हैं. ओवर साइज स्वेटर है तो मुझे ओवर साइज कपड़े काफ़ी पसंद आ रहे हैं आजकल, तो मैंने ये सिर्फ ₹100 का भी था तो मैंने कहा चलो ले लो. जस्ट लाइक ब्राउन वन ये भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल एंड ओवर साइज है एंड मैंने ये दोनों सेम शॉप से लिया है जस्ट फॉर ₹100.
नेक्स्ट आइटम ये एक ग्रे कलर्ड हुडी टॉप है, ये काफी वार्म और काफी स्टाइलिश है। इसमें निटेड वाला फैब्रिक है, बहुत ही खूबसूरत लुक देता है ये पहनने के बाद। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये, इसमें एक हुडी भी है साथ में और ये क्रॉप है, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था ये। नेक्स्ट एक्चुअली एक कोऑर्ड सेट है और ये ऐसा कुछ दिखता है। ये विंटर्स का तो बिल्कुल भी नहीं है, ये समर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप समर में ऐसे कहीं बाहर जा रहे हो या फिर आप बीच वगैरह पे जाते हो तो ये परफेक्ट रहेगा। सो मैंने ले लिया बिकॉज मुझे ये दिख गए थे, बट अभी तो ये किसी काम का नहीं है। जब तक समर्स नहीं आते मैं इन्हें वापस से पहन नहीं सकती हूँ, क्योंकि दिल्ली में तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड है और यहाँ तो सोच भी नहीं सकते आप पहनने का। और इसके साथ है ये प्यारे प्यारे से इसके शॉर्ट्स, तो ये छोटे छोटे शॉर्ट्स और ये प्यारा सा ट्यूब टाइप का जो टॉप है वो जब समर आएगा तो मैं आपको पहन के ज़रूर दिखाऊंगी, मैं अभी इसे नहीं पहन सकती। नेक्स्ट है ये ग्रे जॉगर्स, ये काफी कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश है, प्लस इसमें ये चेन डिटेलिंग भी है। ये वुलन जॉगर्स है बिकॉज ये अंदर से ऐसा कुछ मटेरियल है जो कि इसे काफी ज्यादा वार्म रखता है हमारे बॉडी को, एंड ये विंटर्स के लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट आइटम है ये जीन्स, ये एक्चुअली एक वाइड लेग जीन्स है। मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे जीन्स देखे और मैं एक्चुअली एक वाइड लेग जीन्स ढूंढ रही थी, थोड़ा डिसेंट सा जो टॉन ना हो, बिकॉज मेरे पास टॉन वाइड ऑलरेडी है, तो ये मुझे काफ़ी सही लगे। ये सिर्फ 200 रुपीज का है, आई मीन जीन्स 200 का अनबिलीवेबल सा लगता है, राइट? लगता है कि 200 में तो कोई देगा ही नहीं, बट एक्चुअली ये 200 के मुझे भी थोड़ा सरप्राइज हो गया था, तो मैंने बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं करवाई। उन्होंने बोला 200 और मैंने बस 200 दिए और ले लिया। ये एक मिड राइज जीन्स है, नेक्स्ट आइटम जो मैंने सरोजनी से बाय किया वो मैंने अपने लिए नहीं, मैंने मम्मी के लिए बाय किया, एंड वो है एक बहुत ही प्यारा सा शॉल। सो हियर इट इज, ये काफी खूबसूरत है, इस पे ये ऐसे कश्मीरी वर्क जैसा काम किया हुआ है, जिस वजह से मुझे ये ऐसे पहली नजर में बहुत ज्यादा पसंद आ गई। एंड ये सिर्फ 300 रुपए का है, उन्होंने मुझे 500 बोले थे भले इसके, बट मैंने बार्गेन कर करके उन्हें 300 पे मना लिया। तो मैंने कहा था ना बार्गेनिंग आनी चाहिए, तो फिर तो आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते। प्यारा है, कुछ ऐसा सा दिखता है ये, ये पीछे से भी काफी नीटली थ्रेडवर्क किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि धागे निकल के आ रहे हैं या कुछ। आप इसे इस साइड से भी यूज कर सकते हो, और अगर आपका मन है तो आप इसे इस साइड से भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इस साइड से भी काफी खूबसूरत लग रहा है। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ रिवर्सिबल शॉल, तो अगर आपके पास पूरा एक दिन है और आप चाहते हो कि आप अच्छे से शॉपिंग करो, बार्गेन करो, तो सरोजनी नगर एकदम सही जगह है जहां आपको जरूर जाना चाहिए, और आप वहां से ऐसे बैग भर भर के सामान ला सकते हो जैसे कि मैं लेके आई हूँ। मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, एंड आई थिंक ये इंडियन के साथ साथ वेस्टर्न ड्रेसेस पे भी काफी प्यारा लगेगा, सो मैंने ये ले लिया। एंड ये मुझे मिला है फॉर जस्ट ₹200, उन्होंने इसमें कोई पैसे कम नहीं किए, वो फिक्स प्राइस था उनका। और इसके साथ एक ऐसा चेन भी दिया है जिसे आप यहाँ पे ऐसे कुछ अटैच भी कर सकते हो यहाँ पे, सो अगर आप इसे अटैच कर दोगे तो ये आप इसे हैंग करके भी ऐसे होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट हेयर एक्सेसरी ये क्लॉक क्लिप है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। मुझे सरोजनी में ये काफ़ी सही क्वालिटी का मिल गया, उन्होंने इसका प्राइस 50 कहा था बट मैंने इसे 30 में लिया। नेक्स्ट आइटम भी एक हेयर एक्सेसरी है, ये एक एक्चुअली रबर बैंड है जिसमें एक रिबन वाला इफेक्ट दिया हुआ है। आप चाहे तो ये रिबन ऐसे ही रख सकते हैं या फिर आप इसका कुछ इस तरह से बो भी बना सकते हैं। मैं मेरे फ्यूचर वीडियोज़ में आपको ज़रूर बताऊँगी कि आप इसे कैसे स्टाइल करें। एंड ये मैंने लिया है फॉर जस्ट ₹20।
सो सरोजनी नगर मार्केट में आपको ऑलमोस्ट हर टाइप की चीजें देखने को मिल सकती है, मतलब आपको हर टाइप के शॉप्स वहां पे देखने को मिल सकते हैं। इट्स जस्ट आपको काफी अंदर जाना पड़ेगा, काफी अंदर जाने के बाद एक लेन आती है जहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलेंगे। तो अगर आपको रिंग लाइट लेनी है या कुछ ऐसी चीज लेनी है जो आपको अगर आप यूट्यूब वगैरह बनाते हैं या वीडियो शूट करते हैं तो उसके लिए लेनी है, तो वो भी आपको वहां पे इजीली मिल जाएंगी। इस टाइप के क्यूट क्लिप्स आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। मैंने ऐसे दो क्लिप्स लिए फॉर जस्ट ₹50। अगेन मैंने यहाँ काफ़ी बार्गेन करवाया क्योंकि उन्होंने एक पीस का दाम ₹40 कहा था। उसके साथ ही मैंने ये दो पर्ल वाले क्लिप्स भी लिए, ये भी मैंने ₹50 में दो लिए। नेक्स्ट आइटम ये मैंने राउंड क्लिप लिया, इसे आप बंस में एंड ओपन हेयर में भी वेयर कर सकते हैं। ये ऑनलाइन काफ़ी एक्सपेंसिव थे सो मैंने इसे सरोजनी नगर से सिर्फ ₹50 में लिया। कई बार सरोजनी नगर मार्केट में आपको सेकेंड हैंड या फिर थ्रिफ्टेड आइटम्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप थ्रिफ्टेड आइटम्स या फिर किसी का यूज्ड कुछ भी ना ले और न्यू ले, तो आपको थोड़ा और ध्यान रखना होगा। चीज़ें लेने टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से उन्हें देखना होगा कि कहीं से वो कटा फटा तो नहीं है, क्योंकि एक बार आप लेके चले गए तो उसके बाद वो रिटर्न नहीं होने वाला है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप क्या खरीद रहे हो और किस चीज़ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट है ये विंटर वुलन कैप, ये काफ़ी वार्म और सुंदर है, प्लस ये काफ़ी ज़्यादा एडजस्टेबल है तो आपके सिर का जो भी साइज़ है ये आपको इजीली हो जाएगा। इसके ऊपर ये क्यूट सा पॉम पॉम भी है, मैंने इसे मेरे वैष्णो देवी व्लॉग में भी पहना है तो अगर आपने उसे अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें। नेक्स्ट है ये क्यूट सा चोकर सेट, ये काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग पीस लगा मुझे, मैंने इसे लिया है फॉर जस्ट ₹100। इसके साथ ये मैचिंग ईयरिंग्स भी है और ये सिर्फ ₹100 का है, दो उन्होंने ₹250 कहा था। मैंने इसके साथ में ये रिंग भी लिया है, ये रिंग कुछ घुंघरू वाला इफेक्ट देता है और ये सिर्फ ₹20 का है, तो मुझे काफ़ी अच्छी डील मिल गई। सो नेक्स्ट ज्वेलरी जो मैंने परचेज किया है वो है ये ईयरिंग्स, ये बाली इफेक्ट में है तो अगर आपको लूप्स या बालियां पसंद है तो आपको इस टाइप की ईयरिंग्स काफ़ी सारी सरोजनी में ₹50-50 की देखने को मिल जाएंगी। मैंने ये ₹50 में परचेज किया है। इसके साथ ही मैंने ये सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड रिंग लिया है फॉर जस्ट ₹40। अगेन उन्होंने 60 कहा था बट समहाउ मैंने 40 पे मैनेज करके उन्हें मना लिया एंड ये ₹40 में मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा। इसके साथ ही मैंने ये सुंदर सा सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड चोकर लिया, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था मुझे और साथ में ये ₹30-30 के कान के झुमके। मैं मार्केट सुबह के टाइम गई थी तो बोहनी का भी टाइम था तो मुझे सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गई। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच अगर आपने इसे यहाँ तक देख लिया है तो। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नाउ आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम विथ अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।